दोस्तों नमस्कार, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कटहल बिरयानी, तो चलिए हम बनाते हैं कटहल बिरयानी। कटहल बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का कटहल, जिसको हम अभी काट लेंगे। कटहल को काट लिए हैं ना छोटा छोटा टुकड़ा में, और इसको अच्छी तरह हम धो लिए हैं। उसके लिए हमने 3 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, इसको हमेशा काट लिए हैं लंबा लंबा, और इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल गरम करने के लिए रख दिए हैं और गरम हो रहा है। अब इसके बाद फ्राई करेंगे प्याज। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे प्याज। गोल्डन होने पर भूनेंगे। दस बारह लहसुन का कलिया ले लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको टुकड़ा में काट लिए हैं, 6-7 हरा मिर्च, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज गोल्डन हो चुका है, तो इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, पहले इसे मिला लेंगे। डालेंगे इसमें 1 कटोरी दही, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर, ये बिरयानी मसाला, ये बड़ा चम्मच 1 चम्मच, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा डाल देंगे पुदीना का पत्ता, थोड़ा धनिया पत्ता, जो प्याज फ्राई किए थे उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे, इसको हम मिला लेंगे। इसको मैरिनेट कर लिए हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे मिलाकर भी मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हम ले लिए हैं 500 ग्राम चावल, जो लंबा वाला है, बासमती राइस है, और इसको हम अच्छी तरह धो लेंगे। अच्छी तरह धो लिए हैं और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी में। जब तक मेरा चावल रेस्ट कर रहा है 10 मिनट के लिए और मेरा कटहल भी रेस्ट कर रहा है, तब तक मेरे चैनल और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ढेर से ढेर शेयर कीजिए। जिस ऑयल में प्याज फ्राई किए थे उसी ऑयल में डाल देंगे 3 तेज़पत्ता, थोड़ा साबुत जीरा डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जावित्री, 4-5 लौंग, 2 हरी इलायची। ये 15 मिनट हो गया है मैरिनेट किए हुए। अब इसको तब तक चावल उबालने के लिए पानी रख दिए हैं और इसमें डाल देंगे नमक, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, थोड़ा खड़ा मिर्च मसाला डाल देंगे और थोड़ा ऑयल डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे चावल।
चावल बॉईल हो गया है, ये 75% बॉईल करना है और इसको हम छान लेंगे। छानने से पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, जिससे ये दाना खिला खिला रहेगा, चावल चिपकेगा नहीं आपस में। अब इसको हम बिरयानी का लेयर लगाएंगे। पहले रखेंगे चावल, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा धनिया और पुदीना का पत्ता, फ्राई किया हुआ प्याज, थोड़ा सा डालेंगे ड्राई फ्रूट। अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे ढक्कन, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा जल। इसमें कलर यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप डालना चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं। अब इसे हम दम लगाएंगे, इसको आटा से पैक कर देंगे। अगर आपके पास सिल्वर पेपर है तो उससे भी रैप कर सकते हैं। चारों तरफ आटा लगा दिए हैं के ऊपर कम से एकदम लो फ्लेम में इसको हम बैठाए हैं। और जब भी बनाइएगा मोटे तले के बर्तन लीजिएगा। इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे इस पे। बिरयानी रेडी हो गया है, अब इसको हम खोलते हैं। सर्व करेंगे। इसके साथ हम रायता सर्व करेंगे साथ में।